एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत लालची था। एक दिन कौवे ने देखा कि एक चिड़िया उड़ी जा रही है और उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा है। कौवे ने चिड़िया से रोटी का ये टुकड़ा छीन लेने का फैसला किया। इस मकसद को पूरा करने के लिए कौवे ने चिड़िया का पीछा करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसको दबोच लिया। चिड़िया ने कौवे से बहुत इल्तिजा की कि कौवे भैया, बराए मेहरबानी मेरी रोटी का टुकड़ा मत छीनिए, मुझे अपने बच्चों को खाना देना है। लेकिन कौवे की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उसने चिड़िया की एक ना सुनी और रोटी का टुकड़ा उससे छीन लिया। चिड़िया बेचारी बहुत गमजदा थी। कौवे को बहुत खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन ये क्या, ये खुशी तो एक पल की थी। और उसके बाद एक नामालूम सी उदासी ने कौवे को घेर लिया। जब कौवा एक चिराका के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने नीचे एक बकरी को देखा। बकरी घास चर रही थी और बहुत खुश और मुतमईन थी। कौवे ने सोचा कि ये इतनी खुश और मुतमईन कैसे है, हालांकि इसके पास तो कुछ भी नहीं, और मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ, हालांकि मेरे पास रोटी का टुकड़ा भी है। कौवे ने इस बारे में सोचना शुरू किया और आखिरकार उसको वजह पता चल गई। वजह थी कौवे की लालच। वो अपने लालच की वजह से कभी खुश नहीं रह पाता था। कौवे ने इस आदत को छोड़ देने का फैसला किया। अगले दिन उसने रोटी का एक टुकड़ा तलाश किया और फिर वो टुकड़ा चिड़िया को दे दिया। चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने कौवे का शुक्रिया अदा किया। आज कौवे को जो खुशी महसूस हो रही थी वो आज से पहले कभी ना हुई थी। इस कहानी का अखलाकी सबक क्या है बच्चों? यही कि लालच बुरी बला है। लालच करने वाले का पेट कभी नहीं भरता।